25, 26, 27, 28, 29, 30, 32. अबे 30 के बाद 31 आता है, 32 नहीं। बापू आपकी आंखें धोखा खा रही है, दो दाने सरकाए और कह रहे 31। ऐसा धंधा करोगे तो मर जाओगे। तो गए फिर। अच्छा एक बार तू गिनकर बता दे। हाँ लेकिन बापू 4 बिस्किट देना पड़ेगा। क्या मारूंगा एक लाफा तो गिरेगा पहाड़ के नीचे। मेरी बात सुनो, जब करेगा नुकसान की बात करेगा। मैं आपका बेटा हूँ, जा यहाँ से, मैं खुद गिन लूंगा। चल जा यहाँ से। अरे ओ भैया, अरे इतनी सारी खाने पीने की चीज छोड़कर तुम इस कढ़ाई में काहे घुसे हो? ये कढ़ाई किसकी है? क्या ये कढ़ाई किसकी है? अरे लोहे की है। अरे वाह, इसमें आपको सिर्फ लोहा नजर आ रहा है? क्यों, तुमको क्या नजर आ रहा है? अरे इसमें तो मुझे सारा मुगले आजम नजर आ रहा है भाई। मुगले आजम? और इस कढ़ाई में कहाँ से ली? अरे ये हमारे दादा के जमाने की है भैया। ये वही कढ़ाई है। देखिए साहब, मैं आपको 2000 रुपये देता हूँ, मुझे एक कढ़ाई चाहिए। 2000 रुपये बगैर हैंडल की कढ़ाई के 2000 रुपये? ऐसी कौन सी बात है। इधर आओ, ये वो कढ़ाई है जिसमें अनारकली सलीम के लिए पकौड़े तलती थी। हाँ। अनारकली सलीम पकौड़े? अच्छा 3000, लेकिन मुझे कढ़ाई दे दो प्लीज। धंधे पानी की बात तो बाद में होगी भैया, कुछ नाश्ता पानी नहीं करोगे? अबे ओला डालो मत मोतीलाल। 5000। 5000 रुपया? शर्म नहीं आती? 5000 बोलकर तुम इस कढ़ाई की तौहीन कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं इस कढ़ाई में अनारकली ने सलीम के लिए पकौड़े तले थे। इस कढ़ाई की कीमत कम से कम 10000 रुपए होनी चाहिए। मैं 20000 देती हूँ, पैक कर दो। देखा, इसे कहते कदरदानी। अबे ओ लक्ष्मी का बच्चा, अरे नाश्ता पानी नहीं लाओगे इसके लिए? बापू मैं भी करूँ नाश्ता। अबे तू, ए तू बेशक नाश्ता करवा, लेकिन कढ़ाई मैं लेकर जाऊंगा। 25000। 25000 30000 30000 40000 40000 50000 50000 60000 70000 बापू आउट नस्ताई अनारकली और मुगले आजम तो सो गया। सनसेट पॉइंट तो आ गया, कहाँ है तुम्हारा दोस्त? यही नीचे। तो चलो ना। नहीं रानी, तुम यही रुको, मैं उस साले की शक्ल एक बार देखना चाहता हूँ इसके पहले कि वो शर्त हार जाए। कैसी शर्त? प्लीज रानी, सिर्फ 5 मिनट। ओके। आई लव यू। लव यू। ओ यश, अकेले अपनी जान को नहीं लाए? अरे छुपा रखा है तो सामने ले आ यार, छीन थोड़ी लूंगा, मेरे पास अपनी है। क्या बात है यार, तू ठीक तो है? सुना है जिंदा हूं। अरे मजाक मत कर यार, बता ना कहां है तेरी जान? हमारी जान को हमसे कोई छीन कर ले गया। और तू चुपचाप खड़ा देखता रहा? वो शख्स हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, वो भी हमारी जान है जो हमारी जान को हमसे छीन कर ले गया। तू जिसके टुकड़े करने की बात कर रहा है, वो हमारे जिगर का टुकड़ा है। तब तो मौत भी उसके लिए कम है। दुश्मन अजनबी हो तो माफ किया जा सकता है, मगर एक दोस्त बनकर इतना बड़ा धोखा। देख यश, सारे रिश्ते भगवान बनाकर भेजता है, माँ बाप भाई बहन, मगर दोस्ती, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जो इंसान खुद बनाता है, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। और दोस्ती में दगा देना, ये तो सबसे बड़ा गुनाह है। अरे अपनी दोस्ती के खातिर लोग अपनी जान तक दे देते हैं यश। ये सब किताबी बातें हैं राजा, जो सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती है, जिंदगी से इन बातों का कोई वास्ता नहीं। चल मेरे साथ चल। अरे चल ना, चल। ये खाई देख रहे तू, यहां से अगर कोई गिर जाए तो उसका जर्रा जर्रा नजर नहीं आएगा। तो कुछ नहीं। कुछ नहीं। राजा, ए राजा क्या कर रहा तू? अब ये किताबी बातें नहीं है यश, ये हकीकत है। अब मेरे और मौत के बीच में सिर्फ दोस्ती का हाथ है। अगर तेरा हाथ चूक गया
तो मैं सीधा मौत के मुंह में चला जाऊंगा। मगर मैं जानता हूं ये एक दोस्त का हाथ है जो कभी चूक नहीं सकता। इसे कहते हैं दोस्ती और इसे कहते हैं भरोसा। एक बात बता राजा, तुझे अपनी दोस्ती या मोहब्बत में से किसी एक को चुनना पड़ा तो तू किसे चुनेगा? तू अपनी मोहब्बत को चुनेगा ना? हम भी वही कर रहे हैं। हमारी मोहब्बत रानी है। मोहब्बत करते हैं। मतलब मोहब्बत का नाम? अरे मोहब्बत तो हमने की थी। मुझसे प्यार करने के बारे में तुमने सोचा कैसे? प्यार करने का हक तुम्हें दिया किसने? सिर्फ इसलिए कि तुम कुंवर यश बर्दन हो। हम ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम किसी और की हो जाओ। क्यों? क्या मैं तुम्हारी खरीदी हूँ, बांधी हूँ, गुलाम हूँ, क्या हूँ? हम तुमसे प्यार करते हैं। मुझे तुम तो दोस्ती की लायक भी नहीं हो, प्यार तो दूर की बात है। अरे प्यार तो हमने किया था, साथ जीने और मरने की कसमें हमने खाई थी। तो क्या हुआ अगर तुमने हमें साथ जीने नहीं दिया? तुम हमें साथ मरने से नहीं रोक सकते कुंवर यशवर्धन। मौत पर तुम्हारा हुक्म नहीं चल सकता। रुक जाओ रानी, तुम्हारे बगैर हम मर जाएंगे। रानी मर सकते हो तो दिखा दो मरकर। नहीं यशवर्धन, तुम्हारी आंखों में मौत का खौफ है। अरे जिसमें मरने की हिम्मत नहीं है वो प्यार क्या करेगा? मेरी आंखों में देखो यश, इनमें कोई खौफ, कोई डर, कुछ नहीं है। क्योंकि मैं अपने राजा के पास जा रही हूँ और मेरी मौत का नजारा तुम्हें जिंदगी भर ना जीने देगा और ना मरने देगा। तुम एक जिंदा लाश बनकर रह जाओगे यश। नहीं। सच्चे प्यार के लिए सिर्फ एक जन्म काफी नहीं होता यश। हम फिर जन्म लेंगे, हम वापस आएंगे और हम एक होंगे। नहीं रानी। और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। रुक जाओ रानी, रुक जाओ। बड़ी देर कर दी बेटे। हाँ बापू, आज देर हो गई, लेकिन देखो बापू मैंने कितने नोट कमाए हैं। अब मैं थारी को शहर लेके जाऊंगी, थारी दिल का इलाज करवाऊंगी। मन्ने दे। मारा पीसा वापस कर बनवारी। नहीं, मारे कलेजे में आग लगी है, सवेरे से दारू का एक कतरा भी अंदर नहीं गया। अरे ये पीसा तो मैं थारी को सात जन्म में ना दूं। ये पीसा सिर्फ बाबूजी के इलाज के लिए, समझा? अरे मैं भी तो बाबूजी का बेटा हूँ, सोतेलाई से पर थारा भाई हूँ। बाबूजी के इलाज के लिए थारे पास पैसे हैं और भाई की दवा दारू का तेरा को कोई ख्याल नहीं। आज तक तन्ने मारी सारी कमाई दारू में डुबो दी, बस अब नहीं। मारा पीसा वापस कर बनवारी। नहीं नहीं देगा? नहीं। देख बनवारी कैंची डाल दूंगी। तू मन्ने मारेगी अपने भाई को? पेट काट डालूंगी थारा, तू जानता है मारा गुस्सा। बाबूजी के लिए मैं सारी दुनिया को काट डालू? वापस कर मारा पीसा। अरे तू तो सचमुच खून करने पर उतर आई। मार डालूंगी। ले पूरा पीसा वापस कर। ले करवा ले, करवा ले, इस बुढ़े का इलाज करवा ले। अरे दिल का सुराग बंद करने से मौत का सुराग बंद नहीं होगा। पहले दो दिन जीने वाला था, दो महीने जी लेगा। अरे कौन सा दो साल जी लेगा? तू जाता है कि नहीं? जाता हूँ। क्या जमाना आ गया भाई, बड़े भाई को धमकी देती है, बुढ़े बाप का ख्याल रखती है लेकिन जवान भाई का कोई ख्याल नहीं रखता। सुनो, क्या
तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है। हाँ बाबूजी, जैसे भूखे को रोटी की, ऐसे मरवारी को पैसे की बहुत जरूरत है। तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी। हमारे साथ होटल पैलेस चलो। अच्छा बाबूजी, अच्छा अभी। अरे वो कह रहा था कि रेशमा क्या लाजवाब कलाकार है, और वो बाबूजी का इलाज भी करा देगा अगर रेशमा उसके साथ शहर चलकर अपने नाच गाने का प्रदर्शन करे। इस बहाने बाबूजी भी अच्छे हो जाएंगे, रेशमा का नाम भी हो जाएगा और वो मालदार भी हो जाएगी। बोल क्या इरादा है? पता नहीं क्यों मन ने थारी बातों पर विश्वास नहीं होवे। ले मैं बापू की सर की कसम खा के कहता हूँ कि ये बात रुपए में 2 रुपए सच है। ए बापू समझाना इसे। बेटे मान जाए की बात, देख बेटे मौको भी अच्छो है और तने भी इस दलदल से छुटकारा मिल जाएगा और मने मने बीमारी से बेटे मुक्ति मिल जाएगी। मान जाए की बात। ठीक है बापू, थारी खातिर मान जाऊंगी, मगर ये बाबू है कौन? आइए साहब जी। बाबूजी ये साहब जी हैं। राम राम। नमस्ते। ये रेशमा है। जानता हूँ। साहब जी आप हमारे बाबूजी का इलाज करवाएंगे ना? हाँ। अरे तो फिर देर किस बात की, तुम तैयारी करो जाने की। जाओ। हाँ। जा बेटा।